के नौ पर विराजमान निर्णायक मंडल एवं सदन में उपस्थित प्रत्येक प्रबुद्ध श्रोताजनों, मैं संजय कुमार सदन पटल पर प्रस्तुत विषय युवाओं के सर्वांगीण विकास में सोशल मीडिया सहायक है पक्ष के अधिवक्ता के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूं। महोदय जी, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहकर उसके लिए नितांत आवश्यक हो जाता है कि वो संप्रेषण को बेहतर बनाए। सोशल मीडिया न केवल संप्रेषण का माध्यम है अपितु यह विषय के अंतर्गत शब्द सर्वांगीण विकास के सभी आयामों को स्पर्श भी करता है, जैसे कि रचनात्मकता, कौशलता, मौलिक अभिव्यक्ति, भागीदारी, व्यक्तित्व विकास व अंतर्व्यक्तिक संबंधों में सुधार के साथ साथ देश दुनिया की जानकारी का माध्यम एवं संविधान के अनुच्छेद 19 अ के तहत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आज़ादी का माध्यम भी है। महोदय जी, हमारे भारतीय संस्कृति के स्वस्तिवासन मंत्र की पहली पंक्ति है ओम आनो भद्रा कर्तव्यो यन्तु विश्वतो दब्धदासु परिताशु द्विविद्व, जिसका अर्थ होता है संसार में जहाँ कहीं भी कल्याणकारी विचार उत्पन्न हो उसे अपनी ओर आकर्षित करें। सोशल मीडिया विश्व की तमाम दिशाओं से उन कल्याणकारी विचारों को हमारी ओर लेके आता है। संस्कृत के सुभाषितानि वचनों में कहा गया है अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नानतु वसुधैव कुटुंबकम। हमारे मस्तिष्क को खुला रख के एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर हमारे सांस्कृतिक वैदेशिक संबंधों का विकास करता है। कोरोना काल में ही देखें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की सुनवाई हो, ब्रिक्स देशों की वार्ता या G20 के शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही हुए थे, तथा कोरोना के द्वारा जब संपूर्ण संसार कोरोना महामारी की त्रासदी में त्रस्त था तो वो सोशल मीडिया ही वो माध्यम था कि आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति और हमारे लिए इस अवसाद भरी घड़ी में भी हमारे प्रेरणा का काम कर रहा था। द इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक लेख डेमोक्रेसी इन टाइम्स ऑफ सोशल मीडिया के अनुसार यह न केवल संप्रेषण का माध्यम है अपितु यह लोकतंत्र और जवाबदेहिता के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करता है और इसका सीधा प्रभाव चुनाव पर भी देखने को मिलता है। हाल ही में ब्रिटेन के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री और भारतीय मूल के श्री ऋषि सुनक की बढ़ती लोकप्रियता और चुनाव में जीतने का एक महत्वपूर्ण कारण सोशल मीडिया ही रहा है। और जो मेरे प्रतिपक्षी मित्र सोशल मीडिया को केवल मनोरंजन का माध्यम बनाते हैं, उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगा यह मनोरंजन का माध्यम या आमोद प्रमोद का माध्यम ही नहीं बल्कि युवाओं के सहयोग और भागीदारी का भी एक माध्यम बनता है। जैसे कि चाहे शॉर्टकट में प्रसिद्धि पाना हो या राजनीति में सक्रिय भागीदारी, व्यवसाय के विस्तार से लेकर विज्ञापनों के प्रचार तक, मोदी जी की मन की बात से लेकर संदीप माहेश्वरी जी के मोटिवेशनल वीडियो तक, निर्भया के लिए जस्टिस की मांग हो या रानुमंडल का रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड के ग्लैमर तक की यात्रा, सोशल मीडिया के जरिए ही तय हो पाई है। अपने गांव में बैठा हुआ पप्पू भी दिल्ली तथा जयपुर में चल रही ऑनलाइन क्लास की सुविधा अपने घर पे ले सकता है। वह युवा जो समाज में अपनी पहचान ढूंढना चाहता है, हाशिए पर खड़े वे लोग जो समाज की मुख्य धारा में आना चाहते हैं, वे गुदड़ी के लाल जिन्हें मंच महत्व और मौका नहीं मिल पाने के कारण कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उनके लिए वरदान है सोशल मीडिया। और आए दिन जो हमें पेपर लीक होने की घटना के मामले दिखाई पड़ते हैं उन्हें भी उजागर करने का श्रेय सोशल मीडिया को ही जाता है, वरना तो वो वाली ही बात होती कि जंगल में मोर नाचा पर देखा किसने। सम्मानित निर्णायक मंडल अध्यक्ष महोदय और मैं अपने प्रतिपक्षी मित्रों को संबोधित करते हुए बात कहना चाहता हूं, आपने पूर्ण संख्या 5 और 7 ध्यान दीजिएगा, आपने जब भी तथ्य और आंकड़े पेश किए वो कहां से किए, वो भी तो किसी सोशल ऐप्स, सोशल मीडिया या सोशल इंटरनेट के माध्यम से तो प्रस्तुत किए, वो तो वो वाली ही बात हो गई कि हमारी मारवाड़ी में कहावत भी है मोदी जी कि गुरु तो कौंदा है ने चेलों ने शिक्षा दे। और क्या आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी सोशल ऐप्स का उपयोग नहीं करते क्या? करते हैं महोदय जी। खास बात तो यह है कि हमारे प्रतिपक्षी मित्रों के पास, ध्यान दीजिएगा प्रतिपक्षी महोदय, हमारे प्रतिपक्षी मित्रों के पास कहने को कुछ ज़्यादा तर्क है नहीं, इसलिए वे 3 बातें मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव, अलगाववाद व आतंकवाद को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारे श्रोताओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। कूट संख्या 3 ने कहा था कि गैंगरेप जैसे शब्द का प्रचलन सोशल मीडिया के आने से हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया के आने से पहले गैंगरेप या बलात्कार या रेप जैसी घटनाएं नहीं होती थी? होती थी। क्या कूट संख्या 7 ने कहा था कि अभी जो आतंकवादी घटनाएं सोशल मीडिया के आने से हुई है तो क्या सोशल मीडिया के आने से पहले आतंकवादी घटनाएं नहीं होती थी? होती थी। बस अंत में जाते जाते उतना ही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया महज एक माध्यम है और माध्यम कभी अच्छा या बुरा नहीं होता, माध्यम केवल माध्यम होता है। जिस प्रकार संस्कृत के हितोपदेश में बुद्धिमान व्यक्ति में निरसिर विवेक का गुण बताया गया है, जिस प्रकार हंस दूध और पानी के आपसी मिलावट में से पानी पानी को, दूध दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी पानी को पीछे छोड़ देता है, उसी प्रकार सोशल मीडिया से अपनी उपयोगिता की चीज़ें और अपने उपायदेता की चीज़ें ग्रहण करने बाकी को पीछे छोड़ दो। हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया या स्वच्छ भारत जैसे राष्ट्रव्यापी अभियान, सोशल मीडिया के जरिए उनका प्रचार प्रसार किया था। हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली फ्लैगशिप योजना
उन योजनाओं का प्रसार प्रसार भी सोशल मीडिया के जरिए ही हुआ था। समस्या सब गिनवाते महोदय जी, सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। अंत में बस चाहते चाहते उतना ही कहना चाहूँगा कि एक बेहतर मार्गदर्शन, एक सरकारी विनियमन और व्यक्तिगत स्तर पर सुधार करके इसका समन्वित एवं संतुलित उपयोग सोशल मीडिया को युवाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक साधन बना सकता है। जय हिंद, जय भारत।